सो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से क्रेडिट मैनेजर को एक फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो अपना मेन प्रॉपर क्रेडिट अंडरराइटिंग का पार्ट है, क्रेडिट असेसमेंट या केस असेसमेंट। तो इसमें यू हैव टू थिंक लाइक एज अ क्रेडिट मैनेजर, यू हैव टू थिंक लाइक अ क्रेडिट मैनेजर, लाइक अ क्रेडिट मैनेजर। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा शुरू हो चुका है। तो इसके अंदर अभी अब हमने क्या देखना है कि आपको सबसे पहले तो अपने अंदर एक कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो याद रखना है कि यू आर अ क्रेडिट मैनेजर, यू आर वर्किंग फॉर द बैंक। आपको ये चीज कभी नहीं भूलनी है कि आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं। तो बैंक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बैंक क्या करता है बेसिकली, मान लो ये बैंक है आपका, तो बैंक क्या करता है, बैंक के कुछ कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स इन द सेंस जो बैंक को, बैंक के पास अपना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को कासा भी बोल दिया जाता है, कासा, ये अपना खुलवाते हैं, अपने पैसे जमा करवाते हैं बैंक के पास। प्लस वो एफडीआर वगैरह कुछ और सोर्सेज भी होते हैं बैंक के पास पैसा आने के, आरबीआई से भी बैंक बोरो करता है और अदर कंपनी से भी बोरो कर लेता है। तो ये कस्टमर्स हैं जो बेसिकली, हम सिंपल बात करते हैं, कस्टमर है जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो इन्होंने जब बैंक को पैसा दे दिया तो ये बैंक के पास इतना उनका सारा पैसा आ गया, तो बैंक उनको 3 से 4% के बीच में नॉर्मली जो है इंटरेस्ट पे बैक करता है इस पैसे के ऊपर। अब जो ये बैंक कस्टमर्स हैं, ये पैसा बैंक से कभी भी डिमांड कर सकते हैं। तो अब बैंक क्या करता है, बैंक को प्रॉफिट कमाना है, तो क्योंकि ये पैसा बैंक के पास गया है, तो बैंक को ये पैसा आगे लोन की शेप में इंडस्ट्रीज को या जिसको भी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ये सेम पैसा। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो बैंक 8 से 10% इवन कई लोन्स पे तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो ये इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो इंटरेस्ट का बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये बैंक का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट से बैंक ने अपने सारे खर्चे भी निकालने हैं, सबको सैलरीज भी पे करनी है और अपनी वर्थ दिखानी है मार्केट के अंदर। तो आपको क्या काम है आपका, कि आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं, आप क्रेडिट मैनेजर है, बैंक आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि जो ये कस्टमर्स का पैसा आया है, जो लोन की शेप में हमने देना है आगे, कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं इस पैसे को सही तरह से मैनेज करने के लिए। आप जो लोन्स मार्केट में देंगे तो वो लोन्स सही करेक्ट पर्सन को लोन देंगे, जिसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट, बैंक तो यही मान के चलता है कि ना हो, डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेस लाइकली है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने कोई लोन किसी गलत बंदे को दे दिया या आपने एडजस्टमेंट में गलती कर दी, तो ये पैसा आपका डूब सकता है। तो ये पैसा डूब, अगर ज्यादा पैसा डूब गया तो आप अल्टीमेटली अपने कस्टमर्स को उनके जब कासा जो वो रिपेमेंट मांगेंगे तो उनको वो पे नहीं कर पाएंगे, तो आपका बैंक जो है अल्टीमेटली बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो आपको एज अ क्रेडिट मैनेजर आपको ये सोचना है कि मैं जो जिस बंदे को लोन दे रहा हूँ, तो मेरे पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक के पैसे को अच्छी जगह पे लगाने की, तो मैं इस चीज को ध्यान से लगाऊं। तो इन चीज को आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि लोन देना क्या चीज है, लोन देना क्या है, कि आप इन्वेस्टिंग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग इन अदर्स बिजनेस, आप दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर परिवार में भी सोचते होंगे, जब आपके फादर साहब के साथ बैठते होंगे तो आपको लगता होगा, हाँ वो बात करते हैं कि भाई इस बंदे का पेट्रोल पंप का बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं इस बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेता हूँ, तो उस बिजनेस में मैं पैसा लगाना चाहता हूँ। तो ये सिमिलरली अगर बैंक किसी क्लाइंट को लोन दे रहा है, किसी फर्म को लोन दे रहा है, किसी एमएसएमई को लोन दे रहा है, तो हम किसी के दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए ये आपका ही पैसा है, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आप जिस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो बिजनेस गुड होना चाहिए, वो फ्यूचर उसका वाइबल होना चाहिए, फ्यूचर वाइबल होना चाहिए उस बिजनेस का। तो अगर इस चीज में कहीं पे भी आपने गलती कर दी तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं जहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो बिजनेस अच्छा होना चाहिए, वो गुड बिजनेस होना चाहिए। तो इसके अंदर अभी सेकंड चीज क्या आती है, कि सेकंड चीज आपको साइड बाय साइड ये भी याद रखनी है कि जहां पे आप लोन दे रहे हैं, तो आप वहां पे
पार्टनरशिप नहीं कर रहे किसी के साथ, वहां पे आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे, आपको ये ध्यान में रखना है कि लोन देते टाइम कि आपको जो पेमेंट होनी है वो तो सिर्फ इंटरेस्ट की ही होनी है पेमेंट, आपको सिर्फ इंटरेस्ट की ही पेमेंट होनी है। जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं या बिजनेस के लॉसेस हैं वो सिर्फ जो है आपके जो क्लाइंट है उसी के ही हैं, आपको सिर्फ आपको इंटरेस्ट की पेमेंट और अपनी प्रिंसिपल की रीपेमेंट से मतलब है, प्रिंसिपल रीपेमेंट से मतलब है। तो आपकी ये चीजें सिक्योर होनी चाहिए। तो अगर बिजनेस क्लाइंट का डाउनफॉल में दिख रहा है आपको तो ऑब्वियसली आपको फ्यूचर का डर लगेगा कि हाँ भाई ये मेरी पेमेंट पता नहीं सिक्योर है कि नहीं है, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, और साथ में देखिए दो चीजें आपके इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो आपके सामने दो चीजों का चैलेंज आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चैलेंज है जो मैंने आपको बता दिया कि आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो ये पैसा है वो किसी गलत जगह पे ना लगा दें। तो सेकंड चैलेंज क्या आएगा, सेकंड चैलेंज आपके लिए क्या आएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर भी लगा लो, कोई भी बैंक लगा लो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक है। प्रॉफिट ओरिएंटेड से मीन्स है कि इनको बिजनेस में पैसा कमाना है, इनको बिजनेस करना है, गुड बिजनेस करना है, बिजनेस इनको करना है। अगर बिजनेस करना है तो इनको लोन भी देना पड़ेगा, लोन भी देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपके ऊपर एक तरह का मोरल, एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल सारे केस ही रिजेक्ट करने लग जाएंगे, अगर आप सारे केस ही रिजेक्ट करने लग जाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं होएगा। अगर बिजनेस नहीं होएगा तो अल्टीमेटली ये प्रेशर आपके ऊपर ही रिवर्स बैक होकर आएगा, रिवर्स बैक हो जाएगा प्रेशर आपके ऊपर ही कि जब बिजनेस नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा अपने काम के, अपने जॉब में, कि ये भी ना हो कि आप बिल्कुल ही किसी क्लाइंट को अल्टीमेटली जो क्लाइंट आपको गुड लग रहा है कि वो आपको रिजेक्ट करे जा रहे हैं केसेस, और या फिर आप फंड ही नहीं करना चाह रहे किसी को, तो फिर आपके ऊपर बिजनेस का रिवर्स प्रेशर आ जाएगा। तो आपको बीच का रास्ता निकालना है, आपको अपनी असेसमेंट को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप इंडस्ट्री से हटके कुछ उस बिजनेस में देख पाएं कि जो ये बिजनेस मैं फंड करने जा रहा हूँ कि ये बिजनेस की फ्यूचर प्रोबेबिलिटी कैसी है। तो उसके लिए आपको स्ट्रांग फाइनेंशियल नॉलेज आपको होना इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रांग इंडस्ट्री नॉलेज होना आपको इम्पॉर्टेंट है, या जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इकोनॉमिक एनालिसिस है, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस किस तरह से परफॉर्म करते हैं या जो मेरा एरिया है यहाँ पे क्लाइंट्स किस तरह के हैं। तो इन सारी चीज़ों के आपको स्ट्रांग होना चाहिए। मैं फाइनेंशियल नॉलेज तो आपको दिखा पाऊंगा कि फाइनेंशियली एजेस कैसे करना है कि इसको, बट विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री नॉलेज और इकोनॉमिक नॉलेज ये आपको अपने आप खुद डेवलप करनी पड़ेगी विद एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगेगा कि कौन सी इंडस्ट्री को मैंने फंड करना है और कौन सी इंडस्ट्री को मैंने फंड नहीं करना, और देश की इकोनॉमी किस तरफ से चल रही है, कौन सी इंडस्ट्री आगे जाके बेटर परफॉर्म करेगी कौन सी नहीं करेगी, या गवर्नमेंट की उस चीज जगह पे क्या रेगुलेशंस है, या फ्यूचर प्रोबेबिलिटी या रिस्क फैक्टर्स क्या है उस इंडस्ट्री के। तो आपको इन चीज़ों का एनालिसिस खुद सीखना पड़ेगा, वो बाय द टाइम आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होंगे वो चीज़ आएगी। और मेरा जो फोकस है वो फोकस है कि आपको जो फाइनेंशियल असेसमेंट है केस की वो करनी आ जाए। तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट लोन के लिए अप्लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे अभी आप बैंक के लिए बैंक में बैठे हैं, आप क्रेडिट मैनेजर हैं, आपके पास कस्टमर लोन के लिए अप्लाई कस्टमर है मिस्टर ए जो लोन लेना चाहते हैं, लोन की रिक्वायरमेंट है जिनको, तो वो आपको अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो वो लोन के लिए आपको अप्लाई करते हैं। अब वो अप्लाई करने के साथ क्या देंगे, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन फॉर्म्स वो देंगे आपको, प्लस जो डॉक्यूमेंटेशन हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करे थे जो आपके बैंक के मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्लस डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रेजेंट करेंगे। आप एज अ बैंक, अब कस्टमर के लिए तो आप बैंक हो। अब मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि ऐसे फ्रंट एंड ऑफिस होता है, बैक एंड ऑफिस होता है, तो आप बैक एंड ऑफिस में बैठे हो, सारा केस एड्रेस कर रहे हो, फ्रंट एंड ऑफिस में ब्रांचेज वाले बैठे हैं या सेल्स वाले बैठे हैं, कस्टमर के लिए आप बैंक ही हो। कस्टमर को नहीं पता कि आप फ्रंट एंड ऑफिस हो बैक एंड ऑफिस हो। अगर कोई भी बंदा गलती कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कस्टमर तो बैंक को ही गाली देगा कि बैंक काम सही नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली आपके बैंक की रेपुटेशन हिट होगी उस चीज से। तो आपको इन चैलेंजेस के साथ कि आपको एक कस्टमर के पैसे को सिक्योर करना है, जो अपने कासा वाले कस्टमर्स हैं उनके पैसे को सिक्योर करना है, प्लस बैंक को बिजनेस भी देना है, प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका कस्टमर्स हैं जो वो भी आपसे की सर्विस क्वालिटी से सेटिस्फाइड रहे, सर्विस क्वालिटी आपकी गुड होनी चाहिए,
टाइमली रिस्पॉन्स होना चाहिए कि अगर उनकी कोई क्वेरी है या कोई ऑब्जर्वेशन है तो उनको आप टाइमली रिस्पॉन्स करें। तो ये लोन के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्लस डॉक्यूमेंटेशन देगा, आप अपने लोन को असेस करेंगे, कस्टमर से मिलेंगे और फाइनली लोन को आप सेंक्शन कर देंगे। सेंक्शन मतलब लोन पास कर देना, सो लोन सेंक्शन कर देंगे। जब ये सेंक्शन हो जाता है तो सेंक्शन लेटर इशू होता है। अब ये सेंक्शन लेटर क्या होता है? सेंक्शन लेटर एक बैंक की तरफ से कंफर्मेशन है, एक लेटर है जिसमें ये लिखा होता है कि हम आपको इतने रुपए का लोन या ये लोन टाइप का लोन आपको देने के लिए तैयार है। इसमें कस्टमर का नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस वगैरह मेंशन होता है, उसको क्या लोन दिया है, कितने अमाउंट का लोन दिया है, कितने टाइम का लोन दिया है, ये सारा मेंशन होता है। कौन सी प्रॉपर्टी हमने अपने पास रखी है, ये चीज़ मेंशन होती है। कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कस्टमर को कंप्लाई करनी है या कस्टमर को आगे चल के अपने लोन में रखनी है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये सेंक्शन लेटर हम आप इशू कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेगा कस्टमर, इस सेंक्शन लेटर को एक्सेप्ट करेगा। अगर कस्टमर को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे लोन के अमाउंट, टाइम, प्रॉपर्टी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है सारी एक्सेप्टेबल होगी तो वो इस लेटर को साइन करके एक्सेप्ट कर देगा। एक्सेप्ट कर देगा तो उसके बाद जो अपने पास हम अपने लोन के सारे डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो अपने एग्रीमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट होने, सारे लोन के डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूट होंगे। जब ये सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो फिर ये जो लोन के पैसे हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, अकाउंट ट्रांसफर हो जाएंगे लोन की अमाउंट। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपके यहाँ पे नॉर्मली क्या हर बैंक में ही ये प्रोसीजर चलता है। तो बैंक कस्टमर लोन के लिए अप्लाई करता है, बैंक असेस करता है, तो ये असेसमेंट वाला पार्ट आपका है। तो असेस करता है, असेस के बाद सेंक्शन लेटर इशू करता है, एक्सेप्टेंस करता है, लोन डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूट करता है और अपना जो लोन के पैसे हैं वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ और चीज़ें हैं जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं उसको इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।